एक दो तीन तीन अलग अलग ARG प्रोडक्ट्स आज के इस वीडियो में हमारे पास। एंड पहले मुझे लगा था कि एक एक का अलग अलग वीडियो बना लूंगा, बाद में सोचा कि क्या ही फायदा है, एक में तीन दिखा देते हैं। जिनके पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेटअप्स है, PC कॉन्सोल या फिर लैपटॉप सेटअप्स, एंड आप अपने सेटअप को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो कुछ RGB लाइट्स को ऐड करके, तो उनके लिए ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तीनों लाइट्स मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक्चुअली इंडिया में नहीं मिलता, ये इंपोर्टेड है, तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको मेरे से ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम में मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, बट उससे पहले हम लोग लाइट्स दिखा देते हैं। सबसे पहले इस छुटको लाइट के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं, एंड एक्चुअली में ये जो लाइट है ये पोर्टेबल भी है। उसे मिलता है एक डबल साइड टेप का पेयर, ताकि आप इसको कहीं पे भी चिपका सकते हो। एक इसका स्टैंड इसको डेस्क के ऊपर वर्टिकली रखने के लिए, एक यूजर मैनुअल जहां पे आपको इस लाइट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं एंड एप्लीकेशन वगैरह कैसे डाउनलोड करते हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है, तो जरूर पढ़ लेना। एक टाइप सी केबल इस लाइट को चार्ज करने के लिए या फिर इसको डायरेक्टली पावर करने के लिए, एंड फाइनली आपका पिक्सल RGB बार। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू बना रखा है, और ये वाला जो लाइट है वो वाला लाइट का एक अपग्रेड वर्जन है। अभी ये वाला जो लाइट है ये आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ विद ऐप कंट्रोल, एंड इसमें आपको 42 इंडिविजुअल LEDs देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू 31 या फिर 30 LEDs आपको प्रीवियस वर्जन में देखने को मिलता था, बट इसमें आपको 42 LEDs मिलता है विद ब्लूटूथ एंड ऐप कंट्रोल। तो ये पावर ऑन हो चुका है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो लाइट है वो ऑलरेडी यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। इसका ब्राइटनेस को अगर आपको फुल करना है तो आपको ब्राइटनेस वाला बटन होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक ये फुल ना हो जाए। तो ये अभी फुल ब्राइटनेस में, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो कलर वाला बटन को आपको एक बार टैप करना है, तो इससे इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये एक हॉरिजॉन्टल इफेक्ट है अगर आप इस लाइट को हॉरिजॉन्टली यूज करते हो। अगर आपको वर्टिकली रखना है इसको, इस लाइट को कुछ इस तरीके से, तो इसमें वर्टिकल के लिए भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ये वाला। इसमें भी आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, एंड आप देख सकते हो मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ ये वाला लाइट भी इस तरीके से यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये म्यूजिक सिंक ARGB लाइट है, अगर आप कोई म्यूजिक अपने रूम में बजाते हो या फिर अपने PC में बजाते हो तो ये ऑटोमेटिकली उस म्यूजिक के हिसाब से लाइट जो ऊपर नीचे को होगा। और इसमें 42 इंडिविजुअल LEDs दिया गया है, सारे के सारे एकदम ARGB है। इसमें आप कोई भी कलर्स डाल सकते हो, मतलब अलग अलग इफेक्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके। इसमें आपको 200-300 इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है, मेरे हिसाब से वो काफी इनफ हो जाता है, एंड आप इसमें बहुत सारे मोड्स में स्विच कर सकते हो। और जैसे कि इस लाइट में आपको एक बैटरी दिया गया है, तो आप इसको पोर्टेबली कुछ इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको इस लाइट को यहाँ पे वायर्ड मोड पे चलाना है, यानी कि वायर्ड मोड पे यहाँ पे पावर देना है, तो आपको टाइप सी के जरिए इसको पावर देना पड़ेगा, एंड उस स्नैरो में आपका ये जो लाइट है वो हमेशा की तरह यहाँ पे जलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। और आप इसको इसी पोर्ट से चार्ज भी कर सकते हो, साथ में आपको एक माइक्रोफोन का पोर्ट भी दिया गया, जिसके जरिए ये वाला जो यहाँ पे लाइट है वो आपका जो वॉइस है या फिर जो म्यूजिक है उसको यहाँ पे कैच करता है, ठीक है। पूरा जो लाइट है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, कोई मेटल नहीं है, बट इसका जो यहाँ पे फिनिशिंग है एंड फ्रंट का जो यहाँ पे ग्लास है वो भी यहाँ पे प्लास्टिक का बना हुआ है, बट देखने में यार काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इंडिविजुअल पिक्सल्स जो है वो यहाँ पे इंडिविजुअली यहाँ पे जलता है, ऐसा नहीं है कि एक पिक्सल का लाइट जो है दूसरे पिक्सल में यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। इसका जो फ्रंट ग्लास है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट करा गया है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, खुद ही यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कलर्स इफेक्ट तो बहुत सारे ही हैं, एंड अगर आपको इसको अपना टेबल पे रखना है तो आप सिंपली ये जो स्टैंड है इसके ऊपर आप इस लाइट को रख के नॉर्मली आपका जो टेबल है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख सकते हो, बट अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टली रखना है तो आप नॉर्मली इसको कुछ इस तरीके से भी रख सकते हो। बट लाइट का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी एंड लाइट का जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ एक एप्लीकेशन भी आता है एंड्रॉइड के, जिसके जरिए आप इस लाइट को अपने मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो, जिसके लिए आपको ये वाला जो QR कोड है वो स्कैन करना पड़ेगा अपने मोबाइल से, उसके बाद आप जो है ये वाला लाइट का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐप का नाम है कलरफुल लाइट, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे अपने एंड्रॉइड फोन में वैसे ही ये वाला जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे अगर मैं इसको पर्पल करता हूँ तो ये पर्पल में ब्लिंक करेगा, या फिर मैं इसको सियान करता हूँ तो ये सियान में चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हो। ब्राइटनेस को आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, लाइट का कलर चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और अगर आपको कोई भी कलर चाहिए इस कलर व्हील में से आप जो है चूज कर सकते हो वो वाला कलर, एंड ये वाला जो लाइट है वो उसी कलर में यहाँ पे ग्लो करेगा, जैसे कि येल्लो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद यहाँ पे टील, जो भी कलर आपको चाहिए वो उसी कलर में यहाँ पे ग्लो करेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सॉलिड कलर। इसमें आपको जो है मोड्स भी मिलता है, जहाँ पे आप जो इसका स्पीड यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उसके बाद इसका जो माइक्रोफोन सेंसिटिविटी है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिटरली बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रेड एंड ग्रीन, उसके बाद बहुत सारे लाइक इन्फिनेट इफेक्ट्स है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से आप क्लोजिंग एंड फॉलिंग में जाओगे तो ये अलग टाइप का इफेक्ट्स है, यहाँ से भी आपको बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है। टू वे में आपको इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ से भी आप जो कलर्स ऑप्शन चेंज कर सकते हो। उसके बाद वन वे स्क्रॉलिंग में भी बहुत सारे इफेक्ट्स है, रेड डॉट स्क्रॉलिंग, व्हाइट डॉट स्क्रॉलिंग एंड बहुत सारे। RGB वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको स्पीड भी देखने को मिल जाता है, आप इसका स्पीड को भी डिक्रीज कर सकते हो अप टू कुछ इस तरीके का, एंड आपको अगर मैक्स स्पीड चाहिए तो यहाँ से आप स्पीड बढ़ा दो तो आपका जो है लाइट्स है वो कुछ इस तरीके से बहुत स्पीडली यहाँ पे चलेगा। ये एक्चुअली स्टैटिक इफेक्ट है, व्हाइट एंड ब्लू बैकग्राउंड इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, येल्लो एंड व्हाइट,
उसके बाद सियान एंड व्हाइट, ये सभी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आपको लाइट को ऑफ करना है तो सिंपली आप यहाँ से वन टैप में इसका जो लाइट है वो यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो इसमें कोई फंक्शन नहीं है। सो अगर आप ये वाला लाइट को अपने सेटअप में लगाते हो तो आपको जो है कुछ इस तरीके का लुक मिलेगा जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और अंधेरे में इसका जो ब्राइटनेस है एंड इसका जो लाइटिंग इफेक्ट है वो बहुत ही प्यारा सा आता है। आप चाहो तो ये वाला लाइट को अपने डेस्क के ऊपर भी रख सकते हो या फिर आप जो है मॉनिटर के दोनों साइड यहाँ पे चिपका भी सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे आपको इसको रखना है। या फिर आप जो है मॉनिटर के ऊपर भी आप इसको प्लेस कर सकते हो ये जो डबल साइडेड टेप है इसके मदद से, ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया ARG पिक्सल बार है आपके सेटअप के लिए, आप कैसे भी इसको रखने वाले हो ये जो है बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है। एंड साथ ही साथ आप इसको पोर्टेबली भी यूज कर सकते हो, तो ये भी इस लाइट का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। क्या आप भी सोचते हो कि काश मैं अपने सेटअप में नैनो लीफ पैनल्स लगा पाता, बट क्या आप भी सोचते हो कि नैनो लीफ पैनल्स आर ओवरप्राइज्ड? तो फियर नॉट, हमारे पास आज के इस वीडियो में एक और प्रोडक्ट है जो कि एक ARGB नैनो लीफ पैनल है एंड इसका जो क्वालिटी है एंड इसका जो फिनिशिंग है वो वाकई में काफ़ी अच्छा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नैनो लीफ पैनल से ये वाला जो हेक्सागन LED लाइट्स हैं वो बहुत कम प्राइस करता है एंड ये टोटली अफोर्डेबल है। तो अब आप भी अपने सेटअप में नैनो लीफ पैनल्स को लगा सकते हो बिल्कुल मेरी तरह जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है। बट इसका जो क्वालिटी है मैं इसको बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अभी एब्सोल्युटली अमेजिंग है जिस प्राइस में ये जो नैनो लीफ पैनल्स आता है या फिर हेक्सागन पैनल्स जो भी आप यहाँ पे कह लो वो आता है। एक USB-A to USB-A केबल, बहुत लंबा सा केबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो केबल का जो क्वालिटी है वो एब्सोल्युटली अमेजिंग है एंड टिकाऊ वाला केबल है। आपको यहाँ पे एक रिमोट मिलता है तो आप चाहो तो इस नैनो लीफ पैनल्स को रिमोट के जरिए भी यहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हो। बट अगर आपको रिमोट यूज़ नहीं करना है तो इसके साथ एक एप्लीकेशन भी आता है, मोबाइल वाला एप्लीकेशन, जिसको कनेक्ट करके आप जो है इनके FX को जो है अपने मोबाइल से भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। दो तरीके यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है, रिमोटली एज वेल एज ऐप कंट्रोल भी इसमें अवेलेबल है। सो आपको यहाँ पे मिलता है एक प्लास्टिक का टुकड़ा, अगर मेरे को इसके यूजर्स के बारे में पता चलता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको लंबा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपको ये सारे जो लाइट्स हैं इसको यहाँ पे सेटअप कैसे करते हैं उनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। सामने की तरफ, पीछे की तरफ बहुत सारे यहाँ पे आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाता है। तो इसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी इजीली ये जो लाइट्स हैं उसको आप यहाँ पे असेंबल कर पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लास्टिक में इसका जो वायरलेस कंट्रोलर एंड बहुत सारे इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर में लगने वाला चीज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि USB to USB कनेक्टर। उसके बाद यहाँ पे इसका जो यहाँ पे लॉक्स है वो भी आपको इस प्लास्टिक में देखने को मिल जाता है। साथ में आपको पूरा 6 पीस यानी कि एक सेट का यहाँ पे डबल साइडेड टेप देखने को मिल जाता है इसको अपने वॉल में लगाने के लिए। एंड कोई सब्सक्राइबर मेरे से पूछ रहा था कि भाई इसको अगर मैं वॉल में लगाता हूँ तो 2 दिन बाद ऐसे गिर तो नहीं जाएगा, तो मैं आपको कंप्लीटली अश्योर कर सकता हूँ मेरा जो ये हेक्सागन पैनल्स है उसको मैंने अपने वॉल में लगा रखा है ऑलरेडी एक सेट, ठीक है। एंड लगभग 1 महीना हो गया, अभी तक थोड़ा सा भी नहीं हिला वॉल से एंड टोटली यहाँ पे सॉलिड कनेक्शन है। थोड़ा सा भी हिलाओगे तो हिलेगा नहीं एंड गिरने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। इसका जो यहाँ पे एडहेसिव टेप है या फिर जो डबल साइडेड टेप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और फाइनली आपको मिल जाता है सारे के सारे हेक्सागन पैनल्स एंड यहाँ पे आप इसका क्वालिटी देख सकते हो, भाई कितना मस्त क्वालिटी है। एंड जो फिनिशिंग है वो वाकई में काफी बढ़िया है एंड इसका जो LED डिफ्यूजन है वो भी बहुत ही बढ़िया है। इसका पर हेक्सागन पैनल में आपको 6 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिसके जरिए आप ये जो LED पैनल्स है उसको कैसे भी करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने मर्जी मुताबिक, ठीक है। 6 USB पोर्ट से कोई भी डिजाइन बना लो, 2 सेट्स को यहाँ पे आप जो है डेजी चेंज कर लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से 2-3 सेट आप इसका डेजी चेंज कर सकते हो एंड उसके बाद आपका सेटअप जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। सो क्वालिटी वाइज तो काफी बढ़िया है, इसका बिल्ड क्वालिटी एंड इसका जो फिनिशिंग है वो मतलब भी टॉप नॉच है इस प्राइस रेंज में। एंड एक एक जो पैनल्स हैं उसके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम परफेक्टली ज्वाइन हो जाता है, तो आपका जो फाइनल लुक निकल के आता है ये जो हेक्सागन पैनल्स है वो भाई बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस, हमने गरीबों का हेक्सागन पैनल को अपने वॉल पे लगा दिया, देख सकते हो। एंड अभी चलो मेरे पास ये फोन है, इससे हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। सो गाइस, ये है हमारा गरीबों का नैनो लीफ पैनल, बहुत ही सस्ता वाला, बट इसमें जो FX बहुत कमाल के है। ये है मेरे पास फोन, इस ऐप के थ्रू मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड कलर्स भी है, यहाँ पे डायनामिक कलर्स भी है, एक एक करके सब दिखाता हूँ। और यहाँ से अगर आपको सॉलिड कलर देना है तो यहाँ से आप जो भी कलर चाहिए उसमें क्लिक कर सकते हो। ये CCT में आपको वार्म वाइट से लेके कूल वाइट तक मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी है और बहुत ज़्यादा ब्राइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज टू ब्राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे CCT तो है ही, वाइट कलर है, इसका जो ब्राइटनेस है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइक ये ऑफ हो गया, यहाँ पे दोगे तो थोड़ा सा ब्राइटनेस है एंड यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस है। ये सब चीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी कलर आप डाल सकते हो। यहाँ पे कलर व्हील है आपको वाइब्रेंट कलर्स के लिए, यहाँ से आप कलर व्हील को स्विच कर सकते हो टू दिस कलर व्हील, जहाँ पे आपको सैचुरेशन कंट्रोल मिलता है, तो आप जो है अपने हिसाब से सैचुरेशन वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं FX पे। ये सब नॉर्मल चीज़ है, बेसिक वाला FX है, ठीक है, रेड मार्क यू। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं कर्टेंस पे। कर्टेंस पे बहुत सारे FX है, लाइक हर एक जो टैब है यहाँ पर टोटल 8 टैब्स है और 8 टैब्स में आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। कलर ओपन, कलर क्लोज, RGB क्लोज,
देख सकते हो किस तरीके से ये जल रहा है। इस तरीके से मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो आपको कलर्स नहीं दिखेगा। सो ब्राइटनेस कम कर दिया हमने, आधा ब्राइटनेस कर दिया, ठीक है। अब हम लोग वापस चलते हैं, कलर्स दिखाते हैं आप लोगों को। रेड ओपन, ओ माय गॉड क्या चीज़ है ये। ब्लू ओपन, उसके बाद यहाँ पे सियान, उसके बाद बहुत सारे कलर ओपन क्लोज, ये तो हो गया नॉर्मल वाले, ठीक है। तो RGB ट्रांस, YCP, उसके बाद ये वाला भाई बहुत ही मस्त लग रहा है। नॉर्मली मैं यही वाला लगाता हूँ, देखने में यार काफ़ी अच्छा लगता है। एंड कलर्स टू रेड, ये आप देख सकते हो ये भी बहुत ही प्यारा कलर्स है। कलर्स टू ग्रीन, बहुत सारे इफेक्ट्स है, आप यहाँ से स्विच कर सकते हो लाइक ऐसे ऐसे। कितने सारे इफेक्ट्स चाहिए आपको, हाउ मच डू यू नीड। यहाँ से आप स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो उसका, ठीक है। तो अगर आपको स्लो स्पीड चाहिए तो यहाँ से आप स्पीड को 1x1 स्टेप में यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, दैट इज़ ह्यूज। क्योंकि यहाँ पे लो मीडियम हाई नहीं है, 1 से लेकर 100 तक आप जो है स्पीड को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। YCP यानी कि येलो सैन पिंक, उसके बाद RGB वाटर, RG वाइट, उसके बाद ये है बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब से आपको ये जो हेक्सागन पैनल्स है वो मेरे वीडियोस में परमानेंटली देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जगह काफ़ी सुना सुना सा लग रहा था, मैंने सोचा कि यार कुछ ऐड कर लेते हैं, लाइक मैंने ऐड कर दिया ये वाला चीज़। बाकी सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगा बट ये वाला चीज़ भी अब हमारे जो सेटअप है वहाँ पर शामिल हो चुका है। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, मैंने आपको इसका क्वालिटी तो दिखाई दिया है, बहुत ही मस्त क्वालिटी है लाइटिंग का भी। एंड इसका बेल्ट एंड फिनिशिंग का तो क्या ही कहना है, मतलब जो प्राइस में आता है ना ये वाला हेक्सागन पैनल्स, दैट इज़ टोटली अमेजिंग। आप चाहो तो ये जो लाइट है इसको आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो, इसके साथ एक रिमोट भी आता है इन केस अगर आपके पास फ़ोन नहीं है या फिर फ़ोन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, रिमोट से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से आप जो है मोड्स वगैरह भी स्विच कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये IR रिमोट है, RF रिमोट नहीं है, तो आपको इसी तरफ करके इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, देख सकते हो ये ब्राइटनेस मैंने कम कर दिया, एकदम ऊपर करेंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। सो दिस इज़ द मैक्स ब्राइटनेस। और ये है इसका म्यूजिक सिंक इफेक्ट, देख सकते हो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे ये जो लाइट्स है वो यहाँ पे शाइन कर रहा है। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू माइनर ट्रेक टिप्स। एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे ये सस्ता वाला हेक्सागन पैनल्स के बारे में। अगर आपको खरीदना है माइनर ट्रेक टिप्स को DM करो, नीचे आपको इंस्टाग्राम लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इनको जो है मस्त खरीद सकते हो, अपने सेटअप में लगा सकते हो। और भी बहुत सारे RGB प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, उनको भी हम लोग फीचर करने वाले हैं। तो यार स्टे ट्यून्ड। एंड इसका जो RGB इफेक्ट्स है उसको हम लोग स्विच करते हैं। एंड नाउ बैक टू द नॉर्मल, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, वीडियो को लाइक कर देना। एंड लेट्स गो टू द अनदर प्रोडक्ट, दैट इज द RGB एम्बियंट बार। अब जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया वो सभी ऐप कंट्रोल के साथ आता है, यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। इन सभी को जो है आप अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ ये जो हेक्सागन पैनल्स है उनको आप फोन या फिर रिमोट दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और ये जो बार्स है ना ये सबसे ज्यादा ब्राइट है, तीनों जो प्रोडक्ट्स दिखाए मैंने आपको, इन तीनों प्रोडक्ट्स से मतलब दोनों प्रोडक्ट्स से सबसे ज्यादा ब्राइट ये जो एम्बियंस बार है यही है, मतलब नेक्स्ट लेवल ब्राइटनेस है इसका। इसके अंदर आपको 6 LEDs देखने को मिल जाता है, इसी वजह से इसका जो एनिमेशन स्पीड है वो यहाँ पे स्मूथ तो नहीं है बट स्टिल यहाँ पे आपको डायनेमिक इफेक्ट देखने को मिल जाता है, ये भी ऐप कंट्रोल्ड है। एंड ये सारे जो ऐप्स हैं इन सभी ऐप्स में से इसका जो मतलब RGB बार का जो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा सेक्सी है या फिर सबसे ज़्यादा यू नो ग्राफिक UI वाला है। एंड इसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाता है इंक्लूडिंग म्यूजिक सिंक। एंड हाँ, म्यूजिक सिंक आपको ये तीनों प्रोडक्ट्स में देखने को मिल जाते हैं अगर आप म्यूजिक सिंक करना चाहते हो। और इसमें आपको 148 इफेक्ट देखने को मिल जाता है, और ये 148 इफेक्ट्स में से आप जो इसका कलर चेंज कर सकते हो, आप इसका स्पीड चेंज कर सकते हो, आप इसका ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जो इफेक्ट्स हैं इनमें से कुछ कुछ इफेक्ट्स बहुत ही कमाल के हैं, बट अगर आपको सॉलिड कलर रखना है तो आपको यहाँ पे सॉलिड कलर का भी ऑप्शन मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और आप चाहो तो इनको टीवी के पीछे भी रख सकते हो, मॉनिटर के पीछे भी रख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा एम्बियंटनेस चाहिए मतलब RGB वाले। बाकी इसका जो बिल्ड क्वालिटी है एंड फिनिशिंग है सारे के सारे प्रोडक्ट का मतलब टॉप नॉच है इस प्राइस में। बिल्ड क्वालिटी या फिर फिनिशिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। और इनको जो है आप स्टिक भी कर सकते हो या फिर टेबल के ऊपर ऐसे खड़ा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। और अगर आप इनको टेबल के ऊपर रखते हो तो किस तरह का लुक आता है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, बहुत ही बढ़िया लुक आता है। फिलिप्स ह्यू बार जो है यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव आता है, लाइक 7,000-8,000 का आता है, बट ये जो प्रोडक्ट है ये फिलिप्स ह्यू बार से बहुत सस्ता आता है। अगर आपको खरीदना है इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी RGB लाइट्स तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, तो एंड आपके घर तक पहुंच जाएगा चमचमाता RGB लाइट्स दिवाली वाले। आप इनको जब प्री ऑर्डर भी कर सकते हो, तो जैसे ही ये इसका स्टॉक
स्टॉक आएगा मैं आपको डायरेक्टली शिप कर दूंगा, बिकॉज इनका जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है एंड बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। सो दैट वाज प्रेजेंट गाइस, होपफुली आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा। ये सारे जो ARGB लाइट्स है वो आपके सेटअप के लिए हो सकता है कुछ पैसों के बदले में, बिकॉज फ्री में मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास पैसे कम है, मैं खुद गरीब हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली यार कर लेना DM अगर आपको अच्छा लगा ये सारे लाइट्स, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम ऑसम क्वालिटी एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक क्लियर बाय।